दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्लपूल की 8 kg सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। दोस्तों, इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है कि इसके अंदर आपको 4 कैस्टर व्हील मिल जाएंगे, जो कि इसे स्लाइड करके, यानी कि आप काम करने के बाद कहीं भी आप इस मशीन को रख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम बात करेंगे वर्लपूल की आ जाएगी दोस्तों 8 kg की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसका जो मॉडल नंबर होगा दोस्तों S सुपर सोक मॉडल रहेगा। कैपेसिटी जो रहेगी दोस्तों इसकी 8 kg की इसके अंदर कैपेसिटी देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। साथ ही हम बात करते हैं इस वॉशिंग मशीन की, तो ये मिल जाएगी हमें 5-star रेटिंग के अंदर दोस्तों, जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम कंज्यूम करेगी। साथ ही ये रहेगा दोस्तों 2023 का लेटेस्ट वाला मॉडल। कलर की अगर हम बात करते हैं तो डुअल टोन के अंदर इसके अंदर कलर आपको मिल जाएगा, यानी कि मैरून कलर और आपको व्हाइट कलर दोनों आपको इसके अंदर मिक्स मिल जाएंगे दोस्तों। साथ ही हम बात करते हैं अब इसके फीचर्स की, तो इसके अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें मिल जाएगा डेलिकेटेड वॉश, नॉर्मल और हैवी। ये हमें अपने अपने कपड़े के अकॉर्डिंग इसके अंदर हम वॉशिंग वॉश कर सकते हैं दोस्तों। इसमें हमें 3 तरह आप अलग अलग इसके अंदर कपड़े वॉश कर सकते हैं। साथ ही हम बात करते हैं इसमें वॉश टाइमर की, तो दोस्तों इसके अंदर आपको 40 मिनट का वॉश टाइमर भी मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग आप वॉश कर सकते हैं। ये होता है हमारा सोकिंग टाइम, जो 15 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक रहता है। ये रहता है हमारा सोकिंग टाइम, यानी कपड़े एक बार मूव करेगी मशीन फिर रुक जाएगी मशीन। साथ ही हम देखते हैं तो 15 मिनट तक हमारा फिर कंटिन्यूसली वॉश होता है दोस्तों इसके अंदर। साथ ही हम बात करते हैं कि ड्रेन, यानी कि जो हम पानी हम इसके अंदर यूज़ करते हैं जब हमारे कपड़े वॉश होते हैं, तो ये यहाँ से ड्रेन करना होता है हमें दोस्तों। इस तरह से आप इसे एक बार मूव कर देंगे तो पानी जितना भी होगा इसके अंदर वो ड्रेन आउट हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे इसमें वॉश टब की भी, और कंटिन्यू अगर हम वॉश कर रहे हैं तो आप इसको यहीं रखो इस बटन को, तो कंटिन्यू वॉश होता रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों। साथ ही हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें स्पिन टाइमर जो मिल जाएगा, 5 मिनट का स्पिन टाइमर मिल जाएगा, यानी कि जो टब रहेगा स्पिन टाइमर यानी सोकिंग टाइम, 5 मिनट का इसमें सोकिंग टाइम ही मिल जाएगा। फिर उसके बाद अपना इजीली आप जो हमारे कपड़े होते हैं आप उनको 10-5 मिनट की हवा लगा दो, ऑटोमेटिकली वो सूख जाते हैं। साथ ही हम इसके अंदर देखते हैं तो दोस्तों इसके अंदर आपको ऑटो रीस्टार्ट का फंक्शन मिल जाएगा, यानी कि लाइट चली जाती है और आपका जो बटन है वो 25 मिनट या 30 मिनट के आसपास पहुंच चुका है, तो सारी मशीन फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट होंगी, लेकिन मशीन है वहीं से स्टार्ट होगी, तो ऑटो रीस्टार्ट फंक्शन के साथ मिल जाएगी दोस्तों। साथ ही हम देखते हैं तो इसके अंदर बजर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि काम पूरा होने के बाद ऑटोमेटिकली ये मशीन बीप कर देगी दोस्तों। साथ ही हम देखते हैं तो इको मोड के अंदर रहेगी दोस्तों, ये इको मोड के अंदर यानी कि लाइट थोड़ी कम कंज्यूम करेगी, जैसे ये ऑप्शन यहाँ लगा हुआ है, यानी कि 10 मिनट के लिए कपड़ा वॉश कर सकते हो आप, अगर हम कम कपड़े में कम टाइम के अंदर वॉश करना चाहते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसमें फाइनली वॉशिंग टब की, तो वॉशिंग टब की हम देखते हैं तो इसकी कैपेसिटी है 8 kg की, और इसके अंदर आपको ना गोल ड्रम मिल जाता है, यानी कपड़े को अच्छे से रोटेट कर लेता है, आपको फैब्रिक को अच्छे से रोटेट करता है, जिसकी वजह से आपको वॉशिंग क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम मिल जाती है दोस्तों इसके अंदर। ये जो इसके अंदर एजिटेटर दिए हुए हैं ये कपड़े को ना रगड़ने का काम करते हैं, जिसमें वॉशिंग क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम मिलेगी। साथ में जैसे हमारे कफ होते हैं, कॉलर होते हैं, तो सर्फ में तो भीगे रहते हैं दोस्तों कपड़े, तो आप इजीली उन्हें निकाल कर यहाँ स्क्रब भी कर सकते हैं। जो ब्रश दिए हुए हैं दोस्तों आप यहाँ स्क्रब भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप देख रहे होंगे तो ये हमें लिंट कलेक्टर मिल जाएगा, इसके अंदर जो हमारे लिंट होते हैं, हमारे रूए वगैरह, डस्ट वगैरह, वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाते दोस्तों, और ये रिमूवेबल है, निकाल कर रिमूव करके वॉश करके आप फिर से एक बार इसको यहाँ लगाइए, नीचे की तरफ थोड़ा सा प्रेस करो, ये लग जाएगा। यहीं आपको वाटर लेवल भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना आपको वाटर इसके अंदर डालना है। साथ ही दोस्तों इस फिल्टर का खास बेनिफिट ये है कि बहुत सी मशीन में आपको ना फिल्टर यहाँ देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऊपर में, ये मिड में लगा हुआ है, मीडियम में, तो इसका काफ़ी अच्छा यूज़ भी है, क्योंकि हम कम कपड़े वॉश भी करेंगे तो तब भी अच्छे से काम करेगा दोस्तों। साथ ही इसके अंदर आप वाटर लेवल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लो है, मीडियम है, हाई है, यानी कि आप वाटर लेवल भी आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअली आप इसके अंदर डाल सकते हैं दोस्तों। साथ ही हम देखते हैं तो इसका जो पल्सेटर रहेगा उसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी दी हुई है, यानी कि बहुत अच्छे से वो कवर करेगा, इसलिए उसमें वॉशिंग क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम मिल जाएगी। साथ में दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाएगा इनलेट पाइप, आप ये दोनों तरफ से यूज होगा, जैसे कि एक तरफ आप इसमें लगा दीजिए, दूसरी तरफ अपने टैब के अंदर कनेक्ट कर दीजिए। साथ ही हम देखते हैं तो जो वाटर इनलेट के थ्रू जो पानी आता है, दोनों टब के अंदर पानी ले सकते हैं एक बटन के थ्रू, जैसे आप इसको मूव करेंगे तो स्पिन वाले जो हमारा ड्रम होता है उसके अंदर पानी आ जाएगा, साथ ही आप इधर मूव करेंगे तो वॉश टब के अंदर पानी आ जाएगा, और वॉश टब के अंदर सभी मशीनों के अंदर डायरेक्टली टब पे पानी पहुंचता है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको शावर की तरह पानी जाएगा। ये देखो छोटे छोटे होल्स दिए हुए हैं 3, जो स्पिन शावर की तरह दोस्तों इसके अंदर आपको जाएंगे। इस तरह से वॉश टब के अंदर भी काफ़ी अच्छे से इसके अंदर पानी जाएगा, तो कपड़े अच्छे से खंगाल ले जाएंगे दोस्तों। साथ में हम बात करते हैं इसमें स्पिन टब की, तो स्पिन टब का भी काफ़ी अच्छा साइज मिल जाएगा, पानी जो इसके अंदर आता है देखो यहाँ से आता है इसके अंदर दोस्तों,
क्योंकि कभी कभी हम काम करने के बाद हमें अगर इसको क्लीन करना होता है तो अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर से इसके अंदर यूज़ भी कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही हम देखते हैं तो एक हमें जो स्पिन टावर के अंदर यूज़ करने के मिल जाते हैं ये प्रोडक्ट मिल जाता है। इसका यूज़ ये होता है कि जैसे ही हमने इसके अंदर कपड़े भर दिए हैं, जब ये अच्छे से रोटेट करेगा तो कपड़े ऊपर की तरफ को आते हैं, तो उसको ये ऊपर की तरफ नहीं आने देता, इसको इस तरह से हम यूज़ करते हैं दोस्तों। ये छोड़ दीजिए, इस तरह से इसका यूज़ होगा तो कपड़े ऊपर की तरफ नहीं आएंगे। और इसका स्पिन आरपीएम भी बहुत ही अच्छा दिया हो दोस्तों, इसका 1400 आरपीएम के अंदर स्पिन आरपीएम भी मिल जाएगा आपको, जिसमें आपको ड्राई काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे कपड़े, यानी कि एक बार सूखने के बाद इसमें आप ड्राई करने के बाद कपड़े को 5 से 10 मिनट की सिर्फ हवा लगा दो, कपड़े एकदम 100% ड्राई हो जाएंगे दोस्तों। साथ ही हम बात करते हैं इसमें इसके अंदर जो मिल जाएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने बात बताया आपको कि इसमें 4 कैस्टर भी मिल जाएंगे, साथ ही जो इसकी बॉडी मिलेगी आपको फुल्ली प्लास्टिक के अंदर बॉडी मिलेगी, जो कि रस्ट प्रूफ बॉडी रहेगी दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर रस्ट नहीं लगेगा। साथ ही ये मशीन जो रहेगी कम्प्लीटली पैक्ड है चारों तरफ से, इसलिए ये ट्रेटरवे टेक्नोलॉजी के साथ मिलेगी। जैसे कि पहले आपको प्रॉब्लम यही आती थी कि मशीनों को चूहे वगैरह काट देते थे, वायर वगैरह को, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी, तो उस तरह की इस मशीन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों। जो वॉश टब का ही लिड आएगा आप इसे यूज़ भी अच्छे अच्छे तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आपने कपड़े इसके अंदर धोए सुखा लिए उसके बाद आपको ऊपर लेके जाना है, यानी कि बकेट की जरूरत पड़ेगी, तो ये बकेट का भी काम करेगी, कपड़े निकालो इसके अंदर रखो ले जाओ, ये मल्टी यूटिलिटी के साथ में आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इधर उधर रख देंगे तो जैसे बच्चे वगैरह घर में होते तो गिरा देंगे, तो उस तरह की इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। क्योंकि साइड में आप देखेंगे तो हैंग करने के लिए ऑप्शन है, यानी कि जब आप कपड़े वॉश कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से हैंग कर दो, लॉक हो गया, ये नीचे भी नहीं गिरेगा, तो बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है दोस्तों इस मशीन के अंदर। साथ में अब हम बात कर लेते हैं इस मशीन की मोटर की, क्योंकि देखो मेन चीज़ मोटर होती है वॉशिंग मशीन के अंदर, तो इस वॉशिंग मशीन की जो मोटर है काफ़ी पावरफुल मोटर है, यानी कि एलजी सैमसंग से काफ़ी हैवी मिलेगी आपको, इसकी 420 वाट की मोटर रहेगी दोस्तों, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसकी वेबसाइट में दोस्तों। इसके अंदर ये आ जाएगी वॉश मोटर, जो कि 420 वाट की इसके अंदर मोटर आ जाएगी, और जो आपको मिलेगी स्पिन मोटर वो मिलेगी 150 वाट की। साथ ही हम देखते हैं तो इसका जो मॉडल कोड हो जाता है 30275 इसका मॉडल कोड आ जाएगा, ये पूरा मॉडल नंबर आ जाएगा दोस्तों, S8.0 सुपर सॉक कोरल रेड के अंदर, यानी डुअल टोन के अंदर रहेगी दोस्तों। साथ ही हम देखते हैं तो इसके मशीन है कम्प्लीटली एकदम पैक्ड मिलेगी दोस्तों, यानी कि पीछे से आगे से ऊपर नीचे, यानी कि चारों तरफ से मशीन पैक्ड है, मैं आपको नीचे से दिखा भी देता हूँ ये वाली मशीन। ये मशीन पूरी की पूरी कम्प्लीटली पैक्ड है दोस्तों चारों तरफ से, यानी कि रेटेबल टेक्नोलॉजी के साथ है, तो काफी अच्छा बेनिफिट रहेगा दोस्तों इस मशीन का। बात करते हैं इसमें वारंटी की, तो 2 साल की इसकी ओवरऑल प्रोडक्ट की वारंटी मिलेगी कंप्लीट, 2 साल की मिलेगी आपको स्पिन मोटर की वारंटी, और 10 साल की मिलेगी इसके अंदर आपको वॉश मोटर की और प्राइम मूवर की जिस पर रोटेट करता है दोस्तों, तो इसकी वारंटी भी काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी आप अदर से कंपेयर करेंगे। अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की प्राइस की, तो दोस्तों इसका प्राइस आ जाएगा 13,500 का, इसका 8 kg की वॉशिंग मशीन का प्राइस आ जाएगा। वीडियो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें दोस्तों तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अप्लायंसेस जुड़ी हुई जानकारी इसी तरह से मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।